योग वशिष्ठ का ये सूत्र कहता है जस्ट एज द पॉट अल्टीमेटली गोज बैक टू मड वेव्स इन वाटर एंड ऑर्नामेंट्स इन गोल्ड सो ऑल्सो दिस वर्ल्ड विच हैज कम आउट ऑफ द शेल्फ अल्टीमेटली गोज बैक टू द शेल्फ अर्थात सूत्र कहता है कि जैसे मिट्टी का बर्तन टूटकर अंततः मिट्टी में मिल जाता है जैसे लहरें अंततः गिरकर पानी में मिल जाती हैं जैसे सारे आभूषण पिघलकर अंततः सोना बन जाते हैं ऐसे ही ये जो संसार है जो उस स्व से बाहर आया है अंततः उसी स्व में वापस लौट जाता है वही ब्रह्म वही स्व वही केंद्र वही स्रोत वही समग्रता सूत्र ने पीछे योग वशिष्ठ में मिट्टी के बर्तन की चर्चा की थी कि कैसे मिट्टी का बर्तन बनता है टूटता है और बिखरता है लहरें कैसे उठती हैं उसी सागर से उसी सागर में गिर जाती हैं और कैसे आभूषण भिन्न भिन्न भिन दिखाई देते हुए भी मूल रूप में सोना ही होते हैं एक अभेद अवस्था एक अभिन्न अवस्था उसकी ओर ये सब बातें इशारा कर रही थी कि जो भी हम देखते हैं मिट्टी का बर्तन हमने लिया हाथ में उसका उपयोग है और जब वो टूटेगा तो फिर मिट्टी में विलीन हो जाएगा भारत में हमने इस शरीर को भी मिट्टी के बर्तन की तरह ही देखा इसलिए जब हम अंतिम संस्कार करते रहे व्यक्ति का तो यही शब्द उपयोग करते हैं कि पंच तत्वों में विलीन हो गया व्यक्ति यानी उन्हीं पांच तत्वों से ये काया बनी और उन्हीं पांच तत्वों में लीन हो गई लहरें उठती गिरती हैं लेकिन उनके पीछे जो सागर है वो तो एक ही है तो हमने लहरों का उठना देखा वो उसी स्व से अर्थात उसी स्रोत से उसी केंद्र से उठी थी विस्तार में गई उनकी अपनी कहानियां बनी और फिर लहर सागर में खो गई हर उठी हुई लहर अंततः खोती है और सारी कहानियां भी उसके साथ ही खो जाती हैं कोई कहानी फिर बचती नहीं सोना हमारे स्व की शुद्धता का प्रतीक है अलग अलग आभूषण अलग अलग अभिव्यक्तियां हैं जीवन में हम उनको उसी तरह से देखते हैं उनको हम अलग नहीं मानते वो एक ही है अगर हम उनको अलग देखेंगे तो हमारे लिए ही परेशानी होगी क्योंकि वो अलग तो है नहीं आभूषणों का कैसा भी ढंग ढांचा हो उसको हम जब पिघला देंगे तो अंततः फिर वो सोना बन जाएगा हमारा जो सेल्फ है स्व है या हमारा जो केंद्र है स्रोत है वो ऐसे ही एक शुद्ध अनंत संभावनाओं के क्षेत्र की तरह है उसमें से सब कुछ निकलता है फैलता है और उसी में लीन हो जाता है हमको उस अवस्था का उस आयाम का ध्यान रखना है वही महत्वपूर्ण है ये बाहरी विस्तार आएगा जाएगा जैसे शब्द जैसे वाणी उसी मौन से निकलती है मुखरता शब्द वाणी अलग अलग ढंग से सामने प्रकट होती है और फिर सारे शब्द सारी वाणी उसी मौन में लीन हो जाती है तो मूल हुआ हमारे भीतर का वो मौन हमारे भीतर की उसी शाश्वत स्थिरता से जो इटर्नल स्टिलनेस है उससे ही जीवन की सारी सक्रियता सारा डायनेमिक नेचर गतिशीलता बाहर आती है और फिर अंततः सारी गतियां सारी हलचल उसी शाश्वत स्थिरता में उसी इटर्नल स्टिलनेस में विलीन हो जाती है तो साधक के लिए खोजी के लिए जो सबसे उचित बात है वो मूल पर अपना ध्यान रखता है वो अपने सेल्फ पर स्रोत पर समग्रता पर अपना ध्यान रखता है जहां से सब उठता गिरता है वह ब्रह्म उस पर ध्यान रखता है और वही हमको जोड़ता है वही हमको उस अल्टीमेट वननेस में आत्यंतिक एकत्व में ले जाता है चाहे वो जड़ हो चाहे चेतन हो कोई भी विस्तार हो अगर हम अपने संबंधों में ही देखें दो लोगों के बीच के संबंध अगर शब्दों पर वाणी पर खड़े हों तो उनमें बहुत गहराई नहीं होगी संबंधों की गहराई तब आएगी जब हम साथ साथ मौन हो सकते वाणी की आवश्यकता नहीं शब्दों की आवश्यकता नहीं तब हम उस मूल स्रोत को स्पर्श करते हैं जो हमारे और दूसरे के बीच एक साथ विद्यमान है अभिन्न है अलग नहीं है शब्दों की अभिव्यक्ति अलग होगी वाणी का ढंग ढांचा अलग होगा लेकिन मौन एक ही है सक्रियता गतिशीलता डायनेमिज्म, जो कुछ भी जीवन में आएगा सबका अलग अलग होगा लेकिन सबके भीतर की जो स्थिरता है जिसको हम प्रेजेंस की तरह अलाइवनेस की तरह महसूस करते वो एक होगी तो जब हम कार्य क्रिया, करते या अभिव्यक्ति की सतह से किसी के साथ जुड़ते हैं तो ये थोड़ा सा उथला होगा और जब हम इस सब के पीछे जो इनर स्टिलनेस से आंतरिक स्थिरता उससे जुड़ेंगे वो गहरा और चिरंतन होगा इटर्नल होगा अनडिकेंग होगा बाहरी परत तो डिके करेगी वो अनडिकेइंग होगा तो ये सारी चीजों को हम देखेंगे मूल रूप को हमें ध्यान रखना है मूल आधार तो कोई विचलन नहीं होगा मूल का हर व्यक्ति जीवन में मौलिकता की तलाश करता है ना मौलिकता का अभिप्राय होता है जो मूल से जुड़ा है यानी कि जो रूट है जड़ और हमारे होने की जड़ कहां पर है उसी स्व में उसी ब्रह्म उसी स्रोत में तो कोई भी भ्रम न रखते हुए हम शांति से हम अपने मूल स्वभाव में बने रहते हैं और तब जीवन का ये सारा जो परिदृश्य है वो एक नाटक की तरह चलता है हम उसमें भाग लेते हैं लेकिन उससे अछूते बने रहते हैं क्योंकि तब वो कर्तापन हमको नहीं पकड़ता क्योंकि वो उसी स्रोत से उठी हुई सब लहरें थीं, जैसे उनकी अभिव्यक्ति होनी थी हो रही थी हम उस सब के पीछे तटस्थ थे दृष्टा थे व्यवहारिक रूप से ही सब उपयोग में आ जाएगा और जब कोई ऐसी व्यवहारिकता में प्रवेश करता है तो जैसे सारे आर्नमेंट सारे आभूषण पिघल कर शुद्ध सोने में बदल जाते हैं ऐसे ही वह व्यक्ति भी शुद्ध सोने की तरह हो जाता है प्योर गोल्ड अब उससे कुछ भी बन जाएगा उससे कुछ भी बनाया जा सकता है वो किसी एक अभिव्यक्ति में कैद नहीं है तो हमारा जीवन भी ऐसा ही है ये किसी एक अभिव्यक्ति में एक ढांचे में कैद नहीं है वो कोई भी विस्तार ले सकता है लोगों की परेशानी और समस्या ही यही है कि वो जीवन को एक ढांचा एक सांचा देना चाहते हैं। इसीलिए विचारधाराएं भी व्यक्ति को मार डालती हैं कोई भी संगठन कोई भी संगठित अभिव्यक्ति व्यक्ति को मार डालती है क्योंकि वो एक साचा दे रही है और यहां तो किसी भी सांचे में ढल सकता है व्यक्ति या जीवन व्यक्ति का तात्पर्य जीवन है तो जब तक ये जगत चलेगा यहां पर अभिव्यक्तियों की अनंत अनंत परतें खुलती चली जाएंगी और व्यक्ति अपने उस स्व को जब पहचानने लगेगा तो कोई समस्या ही नहीं रह जाएगी इसीलिए जब हम कहते हैं कि अपने स्वभाव में रहो तो स्वभाव से लोग सोचते हैं कि कोई हमारा शायद एक अलग टाइप का नेचर होगा लोग कहेंगे मेरा यही स्वभाव है नहीं ये स्वभाव नहीं है ये अभिव्यक्ति है स्व के भाव की स्वभाव नहीं स्वभाव तो वही है स्टिलनेस साइलेंस इटर्नल बुद्धा नेचर शाश्वत जो हमारा रूप है वही हमारा स्व है स्व किसी रंग रूप विशेषता का नाम नहीं है स्व अनंत संभावना का नाम है इटर्नल पॉसिबिलिटीज का उस स्व से सब कुछ निकलेगा उसी स्व में लीन होगा तो जब हम कहते हैं या जब गीता में जैसे कृष्ण भी कहते हैं कि स्वधर्म में रहो तो लोग स्वधर्म से सोचते हैं अच्छा स्वधर्म का मतलब अर्जुन को उन्होंने कहा तो अर्जुन छत्री था योद्धा था तो वो उसका स्वधर्म था तो वो युद्ध करे कोई व्यक्ति जिसका नृत्य करने का पूरा ढांचा बना था वो नृत्य करे उसका स्वभाव है तो इस स्वभाव की बड़ी उथली परिभाषा होगी बड़ी शैलो डेफिनेशन होगी वो स्वभाव की एक अभिव्यक्ति है शुद्ध सोने से निकला हुआ एक आभूषण कोई वो अंगूठी बन गई कंगन बन गया हार बन गया कुछ कुछ भी बन गया और उसको हम कुछ भी बना सकते हैं जब चाहे उस आभूषण को पिघलाकर कुछ और बना दें तो जब स्वभाव की बात होती है बुद्ध करते हैं कृष्ण करते हैं वशिष्ठ करते हैं कोई भी स्वभाव की बात करता है तो ये हमारे उस मूल स्वरूप की मूल यानी कि मौलिक जड़ें जहां पर हमारी मौन स्थिरता और बहुत सरल जिसको हमने कर दिया बस अगर उसको ध्यान दे लेंगे तो ज्यादा उठापटक की आवश्यकता नहीं रह जाएगी शांति प्रेम प्रसन्नता और समस्वरता यही स्वभाव है सबका इसी स्वभाव से निकलकर अनेक अनेक अभिव्यक्तियां होंगी भिन्न भिन्न जो इस जीवन में यात्रा करेंगी शांति के कितने रंग हो सकते हैं अकल्पनीय प्रेम के कितने रंग हो सकते हैं प्रसन्नता के भी कितने रंग हो सकते हैं प्रसन्नता की जब बात हम कहते हैं तो लोगों को लगता है कि दांत निकाले होठों पर मुस्कान लाए तो शायद प्रसन्न है लेकिन अगर वृक्ष का उदाहरण जैसा अभी योग वशिष्ठ के सूत्र ने दिया उसी उदाहरण से प्रसन्नता को देखें तो वृक्ष के लिए प्रसन्नता क्या है जब उसके भीतर जीवन का रस दौड़ रहा हो उसकी जड़ें जमीन में जमी हो जीवन से जुड़ा हो जीवंत हो प्रसन्न है इसीलिए किसी लहलहाते हुए वृक्ष को देखें तो हम ही प्रसन्न हो जाते हैं क्योंकि उसकी जो इनहेरेंट हैप्पीनेस है उसके अंदर जो छुपी हुई प्रसन्नता है वो हमको पकड़ लेती है तो हमारे भीतर भी जो प्रसन्नता है वो हमारी इस जीवंतता की तरह है। जब हमारे भीतर विशुद्ध जीवंतता दौड़ रही है कलरलेस विदाउट एनी बाउंड्री एनी डेफिनेशन किसी सीमा और परिभाषा के बिना तो वो प्रसन्नता का मूल रूप है फिर ये अनेक अनेक रूपों में आएगी फिर मुस्कान के रूप में भी आएगी और तमाम रूपों में आएगी इसीलिए जो ये चार स्तंभ चार आयाम में कहता हूँ ये मूल इसके ऊपर फिर बहुत इमारत खड़ी होगी और सब जब टूटेंगे फिर से इसी में लीन हो जाएंगे फिर हम अपने स्वभाव में लौट जाएंगे